बालवीर आए। जब तक हम दोनों बालवीर साथ हैं, बड़े से बड़े दुश्मन से इस पृथ्वी की रक्षा करते रहेंगे। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने, और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए थे बुबिया? बालपरी, बालपरी, आप ये हैमर लेकर कहाँ जा रही हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अभी सारी परियों को आकाशपथ पर्वत पर बुलाओ। आकाशपथ पर्वत पर? लेकिन क्यों? मैंने कहा ना, बाद में पता चल जाएगा। अभी सारी परियों को संदेश भेज दो। ओके ओके। बट अनन्या दीदी कुछ परियों के साथ भैया की मुक्ति परिक्रम कंप्लीट करने दूसरे ग्रह पर गई है। ठीक है विवान, वीरलोक में जितनी बाकी परियां हैं उन सबको बुला लो। वीरलोक की परियां, आप तब जल्द से जल्द आकाशपथ पर्वत पर पहुंच जाइए, क्योंकि बालपरी एक अर्जेंट मीटिंग करने वाली है। बालपरी, प्लीज अब तो मुझे बता दीजिए कि इतना अर्जेंट कौन सा मैटर आ गया? विवान, अभी अभी जो मैंने ये नाद स्वर बजाया है वो एक चेतावनी यंत्र है जो मैंने सातों ब्रह्मांड में भेजा है। सात ब्रह्मांड? लेकिन यूनिवर्स तो एक ही है ना? नहीं विवान, जिस तरह से इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं, संगीत में सात सुर होते हैं, वैसे ही हमारे सृष्टि में सात ब्रह्मांड भी है, और ये सातों ब्रह्मांड एक जैसे ही होते हैं। आपका मतलब बाकी थे यूनिवर्स में भी हमारे यूनिवर्स की तरह सूरज, धरती, चांद, तारे, ये सब होते हैं? हाँ। तो क्या इसका मतलब? विवान, बाकी सारे सवालों के जवाब मैं तुम्हें आकाशपथ पर्वत पर दूंगी, जहाँ शौर्य भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। अगर सातों यूनिवर्स में सब कुछ सेम है तो क्या बाकी छह यूनिवर्स में भी छह दिबो भैया होंगे, यानी कि छह बालवीर? अरे 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 बचाओ, अरे बचो, ये क्या कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया। अरे अरे हम भी, अरे नुकसान करेंगे क्या? अरे हमारा सामान। अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे अरे कोई रोको हैप्पी भैया को। अरे 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 अ
नहीं विवान, छह और बालवीर नहीं, सिर्फ छह और ऐसे लोग जिनके चेहरे बालवीर से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनमें से हमारा बालवीर कोई नहीं। विवान, अब तुम्हारे देवू भैया वापस कभी नहीं आएंगे। वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुका है। पकड़ ली मुर्गी, पकड़ ली हमने मुर्गी, पकड़ ली भाई, पकड़ ली, पकड़ ली। हैप्पी 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 हैप्पी। पूरे कानपुर में सबसे फास्ट हैप्पी पांडे। अरे भैया हमारी मुर्गी, हिलो पकड़ ली हमने, पकड़ो पकड़ो। और हमारी सर्विस की फीस के तौर पे आप हमें दिल से धन्यवाद बोल दीजिए बस, हैं? अरे हाँ हाँ हैप्पी भैया, आपको पूरे दिल से धन्यवाद। दिल से कंटाप देंगे तुम्हें, एक मुर्गी के चक्कर में पूरा नुकसान करवा दिया तुमने। हम नुकसान करवा दी? अरे ये तो सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है, ये नुकसान हमने ना किया है, वो तो इस मुर्गी ने किया है। हम समझाते हैं भैया जी, आप बताइए कि जब आप ठेले पर खड़े थे तब आपके दोनों पैरों के बीच में से कौन गया, हम या मुर्गी? मुर्गी। भैया आप जब दुकान पर थे तब आपकी दुकान पर बैठकर कौन तहस महस कर दिया सब, हम या मुर्गी? मुर्गी। हाँ, और मटके वाले भैया आप जब यहाँ पर मटके बेच रहे थे तब आपकी मटकियों के बीच में जाकर छुपा कौन, हम या मुर्गी? मुर्गी। ए, ज्यादा खलीफा ना बनो, हमारे नुकसान का भरपाई कौन करेगा ये बोलो। अरे हम कहा है नुकसान का भरपाई करे, हमने नुकसान किया ही ना है, हैं? तो कौन ये मुर्गी करेगी? मुर्गी नहीं, मुर्गी वाला। ये अपनी मुर्गी को संभाल ना पाए तो उसमें हमारी गलती, इसलिए हम इनकी मदद करने के लिए मुर्गी के पीछे दौड़ पड़े, फिर मुर्गी जिधर जिधर गई हम भी उधर उधर गए, तो नुकसान का पैसा ही मुर्गी वाला भरेगा। हम तो समाज सेवक है भाई, समाज सेवा करने आए थे, समाज सेवा करके जा रहे हैं। राम राम भाई, राम राम। अरे हैप्पी भैया उनको कहाँ छोड़ के चले गए आप? सॉरी, आपके आदेश के अनुसार मैंने बाकी के छह ब्रह्मांड में चेतावनी संदेश भेज दिया है। लेकिन आपका संदेश बाकी छह ब्रह्मांड तक पहुँचने से पहले, अगर बालवीर का ऊर्जा तारा टूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन शौर्य, देवो भैया की ऊर्जा से बना तारा क्यों टूटेगा? बाल परी, हमें तुरंत प्रथम ब्रह्मांड की यात्रा करनी होगी ताकि वहां कोई अनहोनी ना घट जाए। परियों तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है बालपरी? इस समय बालवीर की शक्ति का अंश छह हिस्सों में बढ़ चुका है और वो उन छह लोगों के पास जा रहा है जो बालवीर के हम शक्ल है। इससे पहले कि बालवीर की शक्ति का अंश पहले ब्रह्मांड तक पहुंच जाए,
हमें वहां के लोगों को सावधान करना होगा। लेकिन तारी का एक हिस्सा धरती की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि बालवीर की शक्ल वाला एक और व्यक्ति धरती लोक पर भी है और ये तारा उसी की तरफ जा रहा है। अरे हमें पैसे चाहिए। अरे भैया हमारी बात तो सुनो। नहीं, नहीं, अरे भाई 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 अभी तक झगड़ा किए जा रहे हो, शॉर्ट आउट ना किए का है? अरे कैसे होगा, ये तो दे ही नहीं रहा पैसा यार। मुन्ना भाई पैसे काहे नहीं दे रहे हो है? अरे लेकिन भैया हम कहाँ से पैसे दे दे भैया आप बताओ नहीं। अरे मुर्गी आपकी है ना तो पैसा आप ही देंगे, फिर कहाँ से और बात आई है? ये देखो हमसे मिलने कौन आया है, हमारे माँ और हमारे जॉली भैया बहुत प्यार करते हैं हमसे। आप दोनों हमारे बिना रह नहीं सकते, बड़े मिस करते हैं ना हमको है? नहीं नहीं तुम्हें नहीं, तुम्हारी अकल मिस करते हैं। तुम्हारे लिए तो घर पे फोन भी आने लगे थे। किसके? गालियों के। एक ने तो कहा कि आप लोग काहे हैप्पी को खुला छोड़ते हैं, वो जब भी बाहर जाता है तबाही मचा देता है। ए? कौन बोला? हाँ जरा हमको नाम तो बताओ। आपके लाड ने इसे बिगाड़ दिया है माँ। जॉली बेटा अब लाड तो हम तुमको भी बहुत किए हैं, तुम काहे नहीं बिगड़े। ये चिकचुक आवाज मत निकालो अपने मुंह से, हमको मालूम है हमारा हैप्पी कभी भी जानबूझ के किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता। तू बता लल्ला बता क्या वजह थी। अरे माँ हम आपको बताते हैं। अरे ये तो चौधरी का बेटा गोल्डी आ रहा है, यहाँ पर कैसे? हमने बोला था ना तुमको कि जरूरी मेला गोल्डी नहीं लगवाया है। हैप्पी देख के गुस्सा चेता ना मेले में। अरे हम तो देख कर आ सकते हैं, मुर्गी कैसे देख कर आएगा भैया? आप ये सब डायलॉग बाजी छोड़िए, हम छुप जाइए हम भी छुप जाते हैं। बड़ी ये क्या है? इस द्वार से हम सृष्टि के सातों ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। लेकिन बालपरी हमने इस द्वार का इस्तेमाल पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ आपातकाल स्थिति में ही किया जा सकता है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आज ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है। परियों अब अपनी शक्तियों से इस आकाश पथ के चक्र को घुमाना शुरू करो। आप साड़ियों में छुप गए, हमका हम साड़ी में छुप जाते हैं। अरे गोल्डी भैया कोई नहीं देख रहा आपके हाथ को, वैसे भी हाथ दिखाने नहीं हाथी को पकड़ने आए हो। बाप का मस्से का समझा? हैप्पी किधर है? चामेन हैप्पी किधर है? पता नहीं। बनियान हैप्पी किधर है? मुझे नहीं पता। चौपी हैप्पी किधर है? उधर। ओ बड़ी भैया अरे यही तो है हैप्पी। अबे भागत कहाँ हो भैया? हैप्पी हिरन काहे हो रहे हो, रुको जरा भागो नहीं है। अरे गोल्डी भैया हम काहे हिरण होंगे, हम आपके इंतजार में आप ही के तो मेले में खड़े हैं। अरे हम का है ना वो आपका जो पैसा है वो हमारे पास एकदम सेफ है। सेफ गया करीना के पास, हमको चाहिए हमारा कैश समझे। एक मिनट हाँ ये देखो आपका पैसा जो है वो कमिंग सून में है। तुम्हारा ये कमिंग सून जो है जून से चला आ रहा है। अब गुरु तुमने अगर हमारा पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी चमड़ी उधाड़ के जाज में उसे जूता न सिलवाया तो हमारा नाम गोल्डी कनपुरिया नहीं है।
अरे अरे गोल्डी भैया, कहाँ इतना गुस्सा हो रहे हैं? देखिए हम आपको इनवाइट करते हैं, आप इतवार को हमारे घर पर आइए, चाय नाश्ता कीजिए, हमारा पूरा परिवार स्वागत करेगा आपका और आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। भैया रामलखन, इनको जरा उठाओ, कबाड़ मार्केट में बेच बाच कर लो, हमारा पैसा वसूल है। चलिए पकड़िए। अरे ऐसा कैसा, विलायती बप्पी थोड़ी ना है कि आप हमें उठा के कहीं भी बेच देंगे, ऐसे ना आएंगे हम हाथ में। अरे अबे पकड़ो। इससे पहले कि बालवीर की शक्तियों का अंश सृष्टि के साथ अलग ब्रह्मांड में पहुंचे, हमें उससे पहले ब्रह्मांड की महाशक्ति को जागने से रोकना होगा। बड़ा भैया है ना, छोटे भाई को पीटता हुआ देखेगा का? हम तो इसलिए छुप रहे हैं माँ, ताकि हमारे छोटे भाई को बुरा ना लगे उसके बड़े भाई को पीटता हुआ देखकर। वैसे भी वो उधारी ना हमने ना ली है, हैप्पी ने ली है, हमसे बिना पूछे 1,20,000 रुपए लिए गोल्डी से, वो भी कहा अनाथ आश्रम का छत की मरम्मत कराने के लिए। तो कहा हुआ, कहा गलत किया उसने? अरे देखना, एक ना एक दिन उसका परोपकार जरूर मिलेगा, या नहीं तो उआ उआ गोली की मार खा के उआ ही पहुंचने की बारी आएगी। आपके लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। तू ना ज्यादा लपट लपट ना कर, तू जा और जाकर उसे गोल्डी के चंगुल से छुड़ा दे। चली जा, जल्दी कर। अरे पुलिस को जल्दी, क्या कर रही है माँ? आप हमें द्रौपदी बना रहे हैं। चल जल्दी, चल जल्दी। एक और पट्टेदार निकाल दिया खेल, और हमारा पहलवान जीत के आए खेल। है कोई बजरंग बली का भक्त माई का लाल, जो हमारे पहलवान के साथ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट तक टिक पाए? अगर है तो सामने आओ। ये लड़ेगा, ये लड़ेगा हमारे पहलवान से। लड़ेगा किससे? लड़ेगा तेजस पहलवान से, चैलेंजर नंबर 11। विवान, बालवीर की शक्ति अब टूटे तारों के 6 टुकड़ों में बट गई है, और ये शक्ति के अंश हर ब्रह्मांड में बालवीर के हम शक्ल के शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बालपरी, इस पे परेशान होने वाली क्या बात है? देवू भैया के हम शक्ल भी तो अच्छे ही लोग होंगे ना, और अगर उन्हें शक्ति मिल भी गई तो इसमें बुरा क्या है? नहीं विवान, बालवीर के 5 हम शक्ल तो अच्छे है, लेकिन उसका 6ठा हम शक्ल बहुत ही घातक है, जिसे हमने प्रथम ब्रह्मांड के द्राक लोक में कैद करके रखा है। क्या नाम है उसका? काल, 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 काल। We'll be right back.
और अगर टूटे तारे की शक्ति काल तक पहुंच गई तो वो कैद से आजाद हो सकता है। इसलिए हमें जल्द से जल्द द्राकलोक पहुंचना होगा। लगता है हमें शौर्य को जाके सूचना देनी चाहिए। चलो। डर कर भागने लगे तो मुझ जैसे भक्षक को कौन रोकेगा? हमने छोड़ दो काल, हमने द्वारा क्या बिगाड़ा? तुम्हारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है काल। काल की किसी से दोस्ती भी तो नहीं है। लोग जितना भागोगे उतना ही मुझे मारने में मजा आएगा।